बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमओ परीक्षा की तिथि को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस, मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बतौर नोडल एजेंसी आरयूएचएस ने शुरुआत में तय की थी तिथि, शेड्यूल के हिसाब से 30 नवंबर को निर्धारित है परीक्षा की तिथि, लेकिन इसके बाद पदों में बढ़ोतरी होने से शेड्यूल में कुछ संशोधन हुआ है। आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया था एक सप्ताह के लिए आगे, अब आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त हुए 3 दिन का समय बीत चुका है। अभ्यर्थी इसलिए असमंजस में क्योंकि जैसे आवेदन की तिथि बढ़ाई गई वैसे ही उन्हें परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाने का अंदेशा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन तिथि के असमंजस को समाप्त करेगा, ये अपने आप एक बड़ी खबर है। हालांकि अगर तिथि आगे बढ़ाई जाती तो उसकी नोटिफिकेशन जारी होती, अगर तिथि को लेकर अभी तक कोई सवाल नहीं तो इसका मतलब ये कि जो पहले से तय तिथि उसी को मानकर तैयारी होनी चाहिए। 30 नवंबर परीक्षा की तिथि स्केड्यूल के हिसाब से निर्धारित है, लेकिन इसके बाद कंफ्यूजन कैसे शुरू हुआ इसको समझिए। इसके बाद पदों में बढ़ोतरी होने से स्केड्यूल में कुछ संशोधन हुआ, आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया था लगभग एक सप्ताह के लिए आगे, अब आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त हुए 3 दिन का समय बीत चुका है। अभ्यर्थी इसलिए असमंजस में है क्योंकि जैसे आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया वैसे उन्हें परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ने का अंदेशा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन तिथि के असमंजस को समाप्त करेगा, ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। हालांकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी अगर किसी के जहन में कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त हुए 3 दिन का समय हो चुका है। मेरे सहयोगी विकास जोड़ गए। विकास, आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाई जाए, ये कंफ्यूजन शुरू क्यों हुआ जब 30 नवंबर पहले से निर्धारित तारीख है? देखिए, बिल्कुल जो कंफ्यूजन हो रहा है वो इस बात को लेकर हो रहा है कि जो शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल के बाद में पूरा शेड्यूल जो है उसको अपडेट नहीं किया गया है। अगर शेड्यूल अपडेट किया गया था तो ओनली मात्र तिथि को लेकर शेड्यूल जारी किया गया था कि जो 7 तारीख तिथि उसको 13 तारीख बढ़ा दिया गया है। जो तिथि बढ़ाई गई है उसमें आपको अपडेट कर दूं विजेंद्र, इसमें की जो पदों की संख्या है वो 2 गुना से अधिक बढ़ाई गई है। और उसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि जो अंतिम तिथि गुजर चुकी है उसके बाद में अभी तक भी जो करेक्शन विंडो है वो अभ्यर्थियों की नहीं खुली है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के अंदर करेक्शन करने हैं वो करेक्शन भी अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं। 16 तारीख हो गई है, ऐसे में उनमें कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए क्योंकि अगर करेक्शन की तिथि नहीं खुलती है और वो 2 दिन बाद खुलती है, 20 से 22 तारीख के आसपास अगर वो करेक्शन करते हैं तो वो अपनी तैयारी इसमें प्रभावित होती है, तो उसको लेकर के उनमें ये कंफ्यूजन है कि जो तिथि है वो 7 दिन से 15 दिन के लगभग आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है उसके बाद में जो अभ्यर्थी बढ़े हैं उस हिसाब से तैयारी करने में भी जो एजेंसी है उसको तैयारी करने में भी टाइम लगेगा। और साथ में विश्वविद्यालय प्रशासन भी दबे स्वर में ये बात मान रहा है कि तिथि को करीब 7 दिन से 15 दिन तक बढ़ाया जाएगा आगे, लेकिन अभी तक उसको लेकर के लेकिन विकास इसमें नोडल एजेंसी आरयूएचएस है, क्या आपने बातचीत की जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा? देखिए, आरयूएचएस प्रशासन से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी फार्मों की स्क्रूटनिंग का काम जारी है, स्क्रूटनिंग के बाद में जब करेक्शन विंडो खुलेगी, करेक्शन विंडो के बाद में यह तय हो पाएगा कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि अभी तक तो विजेंद्र ये भी तय नहीं है कि अभ्यर्थी कितने परीक्षा में बैठेंगे, कितने अभ्यर्थी पात्र माने गए हैं, उसके साथ में उनका गेटवे से जो पेमेंट हुआ है उस पेमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो होगा और उसके बाद में आगे जाकर के तय होगा कितने अभ्यर्थी बैठेंगे। तो ऐसे में उनका कहना है कि पहले स्क्रूटनिंग का काम होगा उसके बाद में हम तय कर पाएंगे कि तिथि बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर जो संख्या है, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो अगर जो एजेंसी है जिसको पूरा काम दिया गया है भर्ती परीक्षा का, अगर वो इतने पॉइंट परीक्षा के लिए इतने पॉइंट जो है वो तय समय में निर्धारित कर पाती है तो 30 तारीख को ही हम परीक्षा कराएंगे। इसको लेकर के एजेंसी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो 30 तारीख के हिसाब से अपनी तैयारी रखे, लेकिन जिस तरह से आवेदन की तिथि बढ़ाई गई थी उसमें कुछ आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो उसको देखते हुए माना जा रहा है कि जो तिथि है उसमें कुछ संशोधन होगा, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अधिकृत रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।